सर बताएं, आप आदमपुर का नेतृत्व करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, जनता से क्या अपील है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और पदाधिकारियों का और आदमपुर के मेरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी है, और मैं इन सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इनके एक एक मनोकामना को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगा। आदमपुर की जनता के लिए और राजनीति में युवा जो लोग आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे जो युवा लोग आ रहे हैं, उससे हरियाणा की राजनीति नहीं देश की राजनीति भी चमकेगी, इसमें क्या कहते हैं युवाओं के लिए, क्या संदेश है? निस्संदेह देखिए, मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका पूरा का पूरा लाभ आदमपुर की हमारी जनता को मिले। और ये सिर्फ आदमपुर की बात नहीं, हिंदुस्तान में समय बदल रहा है और शिक्षित लोगों को राजनीति में आगे और अहम भूमिका निभानी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।